केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि बीते 9 साल में भारत का सड़क नेटवर्क 59% बढ़कर दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। गडकरी ने अपने मंत्रालय के 9 साल के कामकाज का ब्यौरा देते हुए कहा कि देश भर में हाईटेक हाईवेज के नेटवर्क लगातार बढ़ रहे हैं। गडकरी ने बताया कि देश में हाईवेज पर एक्सीडेंट रोकने और ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए मंत्रालय काम कर रहा है। गडकरी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज के समय में देश का सड़क नेटवर्क करीब 1,45,240 किलोमीटर का है, जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में ये सिर्फ 91,287 किलोमीटर का ही था। सड़क निर्माण के साथ साथ उन्होंने इस दौरान देश में तेजी से बढ़ रहे ट्रैफिक जाम को लेकर भी बात की। जाम से जुड़े एक सवाल पर गडकरी ने कहा कि सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोग दिन रात मेहनत करके आबादी भी बढ़ा रहे हैं। एक आदमी के पास 5-5 गाड़ियां हैं, फिर जाम से छुटकारा कैसे मिलेगा। दिल्ली मुंबई हाईवे को लेकर भी परिवहन मंत्री ने बताया कि इस हाईवे का दूसरा हिस्सा जल्द ही ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा और इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है। दूसरा हिस्सा रतलाम तक होगा। मंत्रालय के 9 साल के कामकाज का ब्यौरा देते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि जहां साल 2014 में देश को 4470 करोड़ रुपए टोल टैक्स से मिलता था, वहीं आज की तारीख में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 41,342 करोड़ रुपए टोल से मिलते हैं। देश में 2014 में जहां 11.6 किलोमीटर हाईवे हर दिन बनता था, वहीं अब यह औसतन बढ़कर 41 किलोमीटर तक पहुंच गया है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि पेड़ों को भी कम से कम नुकसान हो। परिवहन मंत्री के मुताबिक देश भर में 68,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए हैं, जबकि 3 करोड़ से ज्यादा नए पेड़ों को लगाया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।